आज हमारे पापा जो हैं हमारे घर से जाने वाले हैं। पंडित जी भी आ गए हैं, ढोल वाले भी आ गए हैं, बस समय आ चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज हमारे पापा जो हैं हमारे घर से जाने वाले हैं और बहुत दुख लगता है जब हम 5 दिन सेवा करते हैं ना, और पापा ऐसा लगता है कि हमारे घर का सदस्य है। यही सोना में 5 दिन यही सोई हूँ और यही उठी हूँ, जोत का ध्यान रखा है, और आज इनको विसर्जित करते हुए ना बहुत ज्यादा दुख होगा। पर इस बात की खुशी होगी कि अगले साल फिर पापा जी आएंगे हमारे घर और ढेर सारी खुशियां लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने निक्की को बहुत प्यारा सा ना डब्बा दिया, क्योंकि निक्की ना छोटी छोटी इयररिंग्स पहनती है पायल, तो मैंने सोचा कि निक्की को दे दूं ताकि निक्की इसमें ना छोटी छोटी अपनी इयररिंग्स रखे। ठीक है, गणपतये बाबू कल नोट वाली माला लेके आई हूँ, लेके आई अंदर से, और ये राधा कृष्ण जी के हैं। तो मैंने बहुत दिन से बोले थे लड़के लेके नहीं आए, तो मैं कल गई ना, तो मैंने बोला आज मैं लेके आती हूँ पापा के लिए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन मिसिंग लग रहा है ना, कल तक यहाँ पे भरी भराव था। मैंने क्लीन किया है ना, जो विसर्जित करने वाला सामान है ना जिसे हम रोज पूजा करते हैं, वो मैंने अलग से निकाल दिया है, तो वो मैं साथ में लेके जाऊंगी। और मुझे किसी ने बताया कि पापा जब हम विसर्जित करेंगे ना तो फ्रूट्स, मोदक, लड्डू वो सब साथ में भेजते होंगे, तो उसके लिए अलग से थैली बनाऊंगी। ये ले, तू मंगवाती है ना इसके लिए कपड़े, ये देख ये इसके कपड़े पहनने की हालत। कोई बात नहीं, एक एक जोड़ा और है इनके पास, अभी वो पहन लेंगे। ये पानी पी रहा है। हाँ देख, माओ 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 मम्मा। तो गाइस ये कपड़े मैंने मंगाए थे आज मेरे लड्डू गोपाल के लिए, दोनों के लिए, दोनों ने पहना है। दूसरा सो रहा है ना। हाँ, सगाई किसकी होने वाली है? सगाई होने वाली हमारी चीना की, तो चीना की सगाई के लिए ना हमने अपने लिए ज्वेलरी मंगाई है। तो मेरा ग्रीन वाला लहंगा ना, तो ग्रीन के साथ एक ये वाला जो ग्रीन लहंगा ना, उसमें डार्क ग्रीन फ्लावर। अच्छा, इसकी मतलब दोनों ले चली हो, लेके ना दोनों चली हो, जो सुंदर लगे वो पहनी हो। मेरे ख्याल से ये ज्यादा जचेगा क्योंकि उसमें जो फ्लावर है ना इस कलर की है। एक तो ये है, मैं दिखा देती हूँ, इसके झुमके है ये, ठीक है, एक है ये, और इसके झुमके भी सेम ही है, ठीक है, ये दो जोड़ी हो गए। और ये गोलू का, क्योंकि गोलू का गोल्डन कलर का लहंगा है, में मैरून तो कुछ नहीं है। गोलू क्या हो गया, क्या हो गया, आ जाओ आ जाओ, ये देखो, एक ये है और एक है ये, ठीक है। ये गोलू के, मुझे गोलू के कुछ समझ नहीं आया। गोलू एक काम करो, अपना कुंदन का सेट अभी तक पहना नहीं है। गोल्डन वाला वो पहन, गोल्डन लहंगा तो आपको पूरा, तो गोल्ड, ये गोल्डन ही है, ये दोनों तो गोल्डन ही है। गोल्डन में चलेगा वो रख रहे हो। और ना इनकी एक बहुत अच्छी, ये सारी ज्वेलरी मैंने वेलवेट बॉक्स बाय श्वेता से मंगाई है, क्योंकि हमारी सारी ज्वेलरी वहीं से आती है। तो इनका मुझे ये बहुत अच्छा लगा, दिखाती हूँ आपको क्या है ये ना, अभी इनके पास नया आया, बिल्कुल लेटेस्ट है इनका। ये अच्छा लग रहा, सुंदर लग रहा है। पर ये एक ही दिया, एक और मंगा लेते हैं। तो वो दोनों के लिए भेजे, ठीक है। आज पहने अपने लहंगे के साथ, बाल ऐसे थोड़ा सा बना के पहनते हैं। चल आज बुक करते हैं इसकी, ऐसे उठा के जो करते हो नॉर्मल ब्रेड यार। ये नहीं पहन रही गोलू मैं, क्यों, ये अजीब लग रहा है, दूसरा वाला पहनेंगे। अजीब इसलिए लग रहा है मेरे पे क्योंकि मैं थोड़ी ज्यादा स्लिम हो गई और ये घाघरा इतना भारी है। तो ये सबके लिए मंगाया हमने, अपने जितनी भी लड़कियां उनके लिए। हाँ जी हाँ जी, इसने मेरे पूरे कपड़े गंदे भी कर दिए हैं, चॉकलेट लगा लगा के। मैंने हेड वॉश नहीं करा, मैंने हेड वॉश नहीं करा, मैंने कोई बात नहीं, मैं हेड वॉश करती लेट हो जाती। सारी चॉकलेट लगा रहा है मम्मा को, सारी चॉकलेट। एक बार क्लिप वाला वो ला देगी, मैं यहाँ पे ब्रेड्स बनवा रही हूँ। क्या किया है, पूरा ड्रेस गंदा कर दिया मम्मा का, पूरा ड्रेस गंदा कर दिया, मम्मा को दूसरा पहनना पड़ेगा। फेंक दिया आपने? अच्छा मेरा लाजा बेटा, गंदा हो गया तो फेंक दिया चॉकलेट, फेंक दिया मम्मा की ड्रेस गंदी कर दी चॉकलेट ने। मेरा बेटा देखो मम्मा क्या करा रही है, वहां पर बैठ के देखो मम्मा कहाँ करा रही है। हाँ जी भैया, हुआ कुछ? अच्छा अच्छा, कर लो कर लो कर लो, ठीक है। तो भाई मैंने जस्ट अभी अभी हुडा भैया को फोन किया है कि वो ट्राला चाहिए हमें जिसमें हम गणपति जी को लेके जाएंगे, तो हुडा भैया बात करे। हाँ जी हूँ। हाथ देखे इसके गाइस, और ये देख मेरा पूरा ड्रेस गंदा कर दिया। अब अगर ड्रेस नहीं भी करनी होती ना मुझे चेंज, तो भी करनी पड़ेगी। अब कह रहा है साफ कर दूं, अब मैं इसको वाइप्स कहाँ से लेके आऊं, मैं बाल करवा रही हूँ। बार बार नीचे उतर रहा है, बार बार मुझे कह रहा है मम्मा ऊपर लो ऊपर लो, लेती हूँ फिर नीचे उतर जाता है, फिर ऊपर लेती हूँ। अब देख चॉकलेट खा रहा था, अब चिप्स लेके आया चीकू से। हाँ कितना गंदा हाथ है, हाँ इतना गंदा हाथ। अभी उतरेगा देखिए इसको, ये लो अब देख उतर गया। अब देखिए थोड़ी देर में घूम के आएगा, ये करेगा फिकेगा ऊपर लो। सो गाइस वहाँ पे पायल हो रही है रेडी, मैं सोच रही हूँ फटाफट ना मैं भी अपना ना फटाफट मेकअप कर लेती हूँ, मेकअप करने के बाद कपड़े चेंज कर लूंगी, क्योंकि फटाफट हाथों में ली हूँ उल्टी टी शर्ट पहन ली क्योंकि टाइम नहीं था, फटाफट 2 मिनट में नहाई हूँ, मैं सोचा हेड वॉश करूंगी ना लेट हो जाएगा। अब क्यों अब क्यों, अभी तो उतर के गए थे नीचे, हाथ धुलवाया फिर हाथ गंदा कर लिया। वो आज मेरा बेटा, चलो बैठो अब आराम से बैठ के खाना भी हिलना नहीं है, ठीक है खा लो चीची। आज गाइस मैं ना बंटी भैया वैसे हमारे यहाँ पे 24 आवर्स रहते हैं, पर मैं कभी बाल नहीं सेट करवाती, मैंने सोचा
चीकू से नई चिप्स लेके थी, वो इसकी चिप्स गिर गई। सो गाइस पायल ये वाले कपड़े निकाल के लाइए, ये दोनों लहंगे। तो पायल कह रही है गोलू ये वाला पहन लेते हम लोग, कि वो वाला थोड़ा सा ना पायल को अलग हो रहा है, फिर मैं और पायल मैचिंग हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है काम कर तू फटाफट रेडी हो जा, तब तक मैं मेकअप कर लेती हूँ, फिर तू मेकअप कर लियो मैं रेडी हो जाऊंगी। तू बा मेकअप नहीं, आ मम्मा मम्मा मेकअप कर देगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। मेकअप की जरूरत ही नहीं है, इतना सुंदर बाबू है, तो इसको तो मेकअप की जरूरत ही नहीं है, पिंक लिप्स वैसे ही है। तो गाइस यहाँ पे मेरे मेकअप करने के बीच में दो मस्कारा खोल दिया, ये दांत दी भाई ने अनु ओ गंदी। अच्छा अच्छा ठीक है सुनो मेरी बात, सुनो एक काम करती है, सुनो गाइस अभी काम करती हूँ, उनको थोड़ा सा ना पागल बनाना पड़ेगा, तो पागल बना देती हूँ मेरे को। बेटे बेटे ओ मस्कारा नहीं, ये लो ब्लशर ब्लशर बेटा प्लीज बेटा हो, देख देख केशव तेरे वजह से उसके हाथ सारे काले हो गए। चलो चलो फोन लेकर आया, ओ ये देखिए देखिए देख तो भाई मैं वैसे ना बंडी भैया को तंग नहीं करती हूँ, बंडी भैया नीचे रहते हैं, पर मैंने बोला आज तंग कर ही लेते हैं थोड़ा सा हेयर स्टाइल, क्योंकि लहंगा पहना ना लहंगे पे वही चोटी वोटी बना के जाना अच्छा लगता है, तो मैंने कर्ल्स कराए हैं और साइड में थोड़े से ये क्या कहते हैं ऐसे ट्विस्ट करवाए हैं बाल, और ये हेयर स्टाइल बनवा रही हूँ। उसके बाद जाऊंगी जल्दी से फटाफट, हल्का फुल्का टचअप करेंगे और हो जाएंगे हम रेडी। तो गाइस फाइनली हम सब हो चुके हैं रेडी, सब गर्ल्स ने सेम कपड़े पहने हैं, बस एक बेल्ट रह गई है, पंडित जी भी आ गए हैं, ढोल वाले भी आ गए हैं, बस समय आ चुका है बापा जी की पूजा करने का। और आनु यहाँ पे देखो क्या उठा के लाया है, आनु सामान उठा के ला रहे हैं, ये मंगलसूत्र निकाल दिया, क्यों मंगलसूत्र नहीं निकाली, सिंदूर तो लगाया हुआ पूरा भर के, इसमें वो नहीं आया ना बेटा भी। हाँ इसको नहीं पहना तूने, क्या इसको थोड़ी पहनाऊंगी, ये निकाल दियो। हाँ ठीक है ठीक है। तो भाई ये आज ही आई है ज्वेलरी, और हमने बोला बोलते कांचनी पता नहीं क्या बोलते, कांचनी बोलते हैं क्या बोलते, तो हमने बोला कि आज ही इसको पहनते हैं सुंदर लगेगा। ये ले पायल मेरे कान सेट कर रही है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ना ये कान के ना एडजस्ट हो जाती है, जैसे आपका कान जितना है ना उतना एडजस्ट, क्योंकि सबका कान अलग अलग होता है। कैसे लग रहा है देखा, बाल छोटे हैं तेरे, मैं लगा के देखती हूँ, मेरे को लग रहा है मेरे बाल छोटे जुड़ जाएगा, मैं लगा के देखती हूँ। अच्छा करो देख, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ ना मुख खोलता है, देखना गाइस देखना आ देखना गंदी बच्ची। तो गाइस फाइनली भाई जो हमारी नथ है वो भी मिल गई, इतनी दिन से इसका वेट कर रही थी, तो ये मिल चुकी है। भाभी मेरी बनवा दो ना नाथ बनवा दो, आज सोने की मेरी सोने की थोड़ी आर्टिफिशियल है, मिंत्रा से ली है, ये नथ सेट के साथ नहीं जा रही ना पाई, यार नथ सेट के साथ नहीं जा रही। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। आने वाली हूँ हमारी गुड़िया से, साथ ही साथ उनकी मम्मा भी आई है जो आदिवासी हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं लास्ट 2 मंथ से। तो सबसे पहले मैं आपको गुड़िया के हेयर दिखा देती हूँ। तो भाई ये है नेचुरल हेयर, कोई भी विग नहीं है, और इसकी डेंसिटी देखो इतनी अच्छी है, वॉल्यूम इतनी अच्छी, और साथ ही साथ इनकी मम्मा भी यूज कर रहे हैं, इनके हेयर भी दिखाती हूँ। तो भाई मैं इनके जुबान से आप लोगों को सुनाती ताकि आप लोगों को और ट्रस्ट हो जाए। तो आप आदिवासी हेयर ऑयल 2 मंथ से यूज करो, कैसा रिजल्ट? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, इवन मेरी डॉटर के हेयर्स ना टूटते हैं ना कुछ होते हैं, और इतना नेचुरल हेयर इसके इतने अच्छे जा रहे हैं, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी पहले, बट अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ऑयल में ट्रस्ट है। थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं आप लोगों को साथ ही साथ एक बात और बता देती हूँ कि ना बहुत सारी साइट्स पे ना आदिवासी हेयर ऑयल फेक मिलता है, तो नीचे आपको 5 कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहे हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके अपना आदिवासी हेयर ऑयल मंगवा सकते हैं। आदिशेवितं कपितजम्बु फलचारु भक्षणम्बु महासुतं शोक विनाशकारकं नमामि पिपलेश्वर पाद पंकजम्। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो अभी पप्पा के साथ जो साथ में बांधना है ना वो बांध रहे हैं हम। 1, 2, 3, 4
बप्पा तेरी जय जयकार, बप्पा तेरी जय जयकार। तो सबसे लास्ट हम पहुंचे हैं क्योंकि सारी जिम्मेदारी देखनी पड़ती है। गणपति पापा के साथ जो जाना है उनका भूख का सामान ले आई, चीकू के पापा की चप्पल ले आई हूँ, और चलो भाई बच्चे भी ले आई हूँ। तो अभी तो सारे नंगे पैर जा रहे हैं, आते हुए सारे चप्पल पहन के आएंगे। सुनो ये भोग रखना उधर, हाँ बच्चों को लेके चलना है क्या? नहीं ले लेते हैं, ले लेते हैं, आ जाओ। तो गाइस हम लोग तैयार हो गए, आ चुके हैं ट्राला में, और ट्राला लेके आए हुए भैया। और दिल तो नहीं कर रहा बाबा तेरे भेड़ने का, पर क्या अगले साल फिर आएंगे पापा हमारे घर में, बहुत सारी खुशियां लेके आएंगे। गाइस हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं तो एकदम झटका सा आ रहा है, तो गिर ना जाए इसलिए हम लोग यहाँ पे आराम से बैठे हैं। तो अभी हमारा प्रोग्राम नहीं था कि बच्चों को लेके जाएंगे, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, इनका पहला साल है, पिछले साल तो नहीं लेके गए थे, मैंने कहा अब ये थोड़े से सेंसिबल हो गए तो इनको अच्छा लगेगा बाहर आसमान में ट्राला में बैठ के गणपति जी का विसर्जन करने में, तो हम लोग इनको ले आए तीनों को। कैसा लग रहा है? अच्छा, हैप्पी 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 मोरिया रे बाबा, मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे। तो भाई जाते जाते ना बच्चों को भूख लग गई, तो मैंने फटाफट से दीदी से बोला था दीदी दूध दे दो, भाई शुगर है कि दूध है इनके पास, और साथ ही साथ हमने ना मोहित को बोला था दो बिस्किट के पैकेट दे दो, एक तेरे पास है ना, दो इसके पास है, दो हमारे पास है, चार बिस्किट के पैकेट ले लिए, घर से पानी की बोतल लेके आया ताकि किसी को भी, डायपर्स भी लेके आया, और बच्चों को अच्छे से लेके जाएंगे इस बार। तो भाई हमने लहंगे पहन तो लिए, और इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज्यादा पैरों में तो इतनी गर्मी लग रही है, पूरी स्वेटिंग हो रही है, मैं तो घर जाके नहाऊंगी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, मुंह देखो लाल हो गए, बच्चों के मुंह देखो लाल हो गए गर्मी के कारण। और मैंने तूबा को साड़ी और पहना दी, मैंने कहा चलो हमने लहंगे पहने तो कम से कम ये साड़ी तो पहने। तो गाइस तूबा को देखो, वाओ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द साड़ी, इन द साड़ी। तो गाइस हम लोग गगर पे पहुंच गए जहाँ पे हमें विसर्जित करना है ना पापा को, सारी संगत भी आ गई है जो जो लोग बुलाए थे, देखो जरा कैमरा घुमा के दिखाओ। तो बस विसर्जन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, बस पप्पा को बस हम यही बोलेंगे कि आप हर साल आएं और ऐसे ही खुशियां लेके आएं सब लोगों के लिए, जितने लोग हमें देख पा रहे हैं उनके लिए भी। तो जय गणपति। तो भाई पता ही नहीं चलता गाइस कि 5 दिन कहां जाते हैं, पप्पा जी आते हैं और वो 5 दिन ऐसे जाते हैं ना छुट्टियों में, वैसे तो रियलाइज होता है 5 दिन का। तो बस अब पप्पा जी का विसर्जन हो गया, घर खाली खाली रखेगा ना भी, चलो कोई नहीं पापा जी फिर आएंगे, चलो घर। आते आते बच्चों ने ना हवाई बुरा हाल कर दिया, झुमका मेरा एक कहाँ गया, कहाँ कहाँ गया, कब बालों का क्या, बच्चे ने आते आते इतना नाक में दम किया, क्योंकि आते हुए ना ट्रैफिक हो जाता है जहाँ से हम आए थे, बड़ी मुश्किल से थक थका के घर पहुंचे हैं। ये लगा लो बच्चे ने कपड़े सारे आने नीचे, पीछे दिखा देती हूँ, ऐसे घर में आए हैं सबके डायपर कपड़े इधर पड़े हैं, देखो डायपर सबके, ऐसे सारे के सारे बच्चे दूध दूध मांग रहे थे। ये एरिया 5 दिन से कितना भरा भरा, सब घर खाली हो गया है, घर खाली हो गया, वापस यहाँ पे आपको सोफे दे, अगले साल फिर से कुछ नया, क्या पता पप्पा क्या खुशियां लेके आने वाले। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बस गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल ना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।